Yes, students, today we are going to start our next chapter, formation of a company, various stages. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कंपनी, यहाँ पे हम कंपनी कैसे फॉर्मेशन होती है, कंपनी कैसे बनती है ये देखेंगे. ठीक है, इसकी वेरियस स्टेजेस है. स्टेजेस का मतलब ये एक प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस में आपके स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीड करना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन बनती है. पहले प्रमोशन होती है. प्रमोशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है उसके दिमाग में क्या आएगा, आइडिया आएगा. ठीक है, कि क्यों ना मैं एक कंपनी बनाऊँ. ठीक है, तो जब उसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, ठीक है, आइडिया तो बच्चे हमारे दिमाग में भी बहुत आते हैं जब हम बेले बैठे होते हैं. ठीक है ना, पर जब वो पर्सन उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है उसको बोलते हैं प्रमोशन. ठीक है, अब उसने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है. ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे प्रमोशन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप प्रमोशन है, दिमाग में आइडिया आया, फिर उसने उस आइडिया को रजिस्टर करवा लिया. ठीक है, उसे कंपनी बन गई और रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंपनी कमेंस्ड हो जाएगी, शुरू हो जाएगी. पर इसके बीच में कुछ प्रोसेस हैं, इसकी कुछ प्रोसीजर हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये इसके क्या हैं, स्टेजेस हैं. थ्री मेन स्टेजेस हैं ऑफ कंपनी फॉर्मेशन के. कंपनी फॉर्मेशन जो होती है वो इन तीन स्टेजेस में होती है. यहाँ पे देखो हमें एक बॉक्स में दिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया. आपके दिमाग में एक आइडिया आया है, उसको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है इज गोइंग कंसर्न. ठीक है, जिसमें आपने गोइंग कंसर्न का मतलब आपने उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, एक कंसर्न बनाई है, एक कंपनी बनाई है जो चलती हुई है. ठीक है, इज नोन एज प्रमोशन, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं. ठीक है, अब देखो प्रमोशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू गोइंग कंसर्न. ठीक है, जिसमें आपने एक आइडिया को गोइंग कंसर्न में, एक कंपनी में, एक रियलिटी में चेंज कर देना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ऐसा, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी. कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी है. सर्टन लीगल प्रोसीजर, जिसमें क्या किया जाता है, लीगल प्रोसीजर के बिना ये कभी भी नहीं चलाई जा सकती है. ठीक है, फॉर इट्स फॉर्मेशन इज टू बी फॉलोड द फॉलोइंग आर द स्टेप्स. ये इसके स्टेप्स हैं, ये इसके स्टेजेस हैं. अब देखो फर्स्ट स्टेज हम पढ़ रहे हैं प्रमोशन. कहते टुडे व्हेन कंपटीशन इज एट पीक. ठीक है, आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस. ठीक है, किसी के लिए ईजी नहीं है. अब एक पर्सन तो अभी सोच ही रहा होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट में नहीं देखा, मैं भी एक प्रोडक्ट बनाऊँगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँगा जो मार्केट में आते ही छा जाएगा. ठीक है, और अगले दिन देखते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में, आपके दिमाग में अभी आइडिया ही चल रहा है, वो प्रोडक्ट मार्केट में आ भी जाता है. ठीक है, तो कंपटीशन एकदम पीक पे है. ठीक है ना, आजकल बिजनेस के बारे में सोचना कोई इजी नहीं है. एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस शुड टेक दिस डिसीजन ओनली आफ्टर थोरो एंड डीप थिंकिंग. ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसके बारे में थोरो, ठीक है ना, डीप थिंकिंग करनी है. थोरो का मतलब एक एक चीज़ को बारीकी से देखना है. ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैंने तो ये प्रोडक्ट बनाना है, आज तक इंडिया में कभी किसी ने ऐसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं. ठीक है, सोच तो लिया, पर आपको पता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा इंडिया से, आपको मशीन अवेलेबल हो जाएगी इंडिया से. ठीक है, और अगर आपको नहीं भी हो रही, ठीक है ना, और आपको ये चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मान लो कि जिस कंट्री से आप इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंट्री के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, मतलब आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कह रही है, ये भी देखना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, एनी बिजनेस विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश आफ्टर डीप एंड थॉरो थिंकिंग हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस. ठीक है, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करोगे जो डीप थिंकिंग के साथ किया जा रहा है, थॉरो थिंकिंग के साथ, ठीक है, वो हो सकता है कि बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट द डीप और प्रोफाउंड थॉट इज टू बी डन अबाउट. ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि डीप थिंकिंग करनी किसके बारे में है. ठीक है, दिस इज डन मेनली फॉर द टाइप ऑफ बिजनेस. ठीक है, हमने बिजनेस किस तरह का करना है ये सोचेंगे हम. साइज, कैसा साइज लगाना है बिजनेस, हमने लोकल लेवल पे करना है, स्टेट लेवल पे करना है, नेशनल लेवल पे करना है. ठीक है, कैसा साइज होना चाहिए बिजनेस, बिग करना है, स्मॉल करना है. ठीक है ना, प्लेस कौन सी होनी चाहिए, ऑनरशिप कौन सी होगी. ऑनरशिप में हमने अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनरशिप देखी है, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप देख रहे थे,
पार्टनरशिप देख रहे थे, कंपनीज देखी हैं हमने, ठीक है ना। तो ये सारा कहते यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद है कैपिटल के बारे में। तो इस चीज़ों के बारे में हमने क्या करनी है, डीप थिंकिंग करनी है, ठीक है। ऑल द एफर्ट्स मेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड प्रमोशन, ठीक है। अब देखो ये सारे एफर्ट्स जब आपके द्वारा किए जाएंगे, एक पर्सन जो है वो इन चीज़ों के बारे में डीप थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो भी पर्सन ये एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, और उसके द्वारा ये प्रोसेस की जा रही है, उसको बोलते हैं हम प्रमोशन, ठीक है। क्या होती है प्रमोशन, द पर्सन हु परफॉर्म दिस फंक्शन, और जो पर्सन ये करता है उसे बोलते हैं प्रमोटर। जो प्रमोटर जो क्या करता है, प्रमोशन करता है। द प्रमोटर थिंक ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंड एस्टेब्लिश इट ऑल्सो, ठीक है। जो प्रमोटर होता है वो थिंकिंग करता है इसके बारे में। नाउ अ डेज ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, आजकल जैसे कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस हैज़ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एंड सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट आर टेकन, ठीक है। यहाँ पे हमें एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जो होते हैं, ठीक है, जिनको सारी नॉलेज होती है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो गाइडेंस है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें इस काम के लिए। सम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व, ठीक है, और कुछ हमारे आसपास, ठीक है, हमें आउटसाइड जो हैं वो मिल जाते हैं ऐसी गाइडेंस देने के लिए। कंसल्टेंट्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं जो आपको बिजनेस के बारे में एडवाइस देते हैं। दे ऑलवेज लुक फॉर द न्यू आइडियाज़, ठीक है। ये जो होते हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़ को देखते रहते हैं टू इम्प्लीमेंट दीज आइडिया इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है, ताकि इन जो आइडियाज़ हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। इन दिस मैनर दे प्रमोट बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं, प्रमोशंस जो हैं, जो न्यू आइडियाज़ होती हैं दिमाग्स में, ठीक है ना, तो उनको ये प्रमोशन करते हैं बिजनेस के, एंड सेल इट टू द डिज़ायरस पर्सन, ठीक है। और जो लोग ये कंपनीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ये बेच देते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन है आजकल ये इसी पर्पज़ के लिए खुल चुकी हैं, ठीक है। और देखो मीनिंग क्या है प्रमोशन का, कहते हैं प्रमोशन स्टैंड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच गिव एग्जिस्टेंस टू द बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें आप अपने दिमाग में आइडिया आया है, जो प्रमोशन का मतलब जो आइडिया आया है उसको आप एग्जिस्टेंस लिया हो एक बिजनेस को, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब आप रियलिटी में उसे क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडिया इज़ बॉर्न इन द माइंड, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा एक इंडिविजुअल के और एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। हो सकता है वो एक पर्सन हो या फिर कितने ही ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ठीक है, रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, जिसमें वो क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करना चाहेंगे एक बिजनेस को, ठीक है। तो हमें इस पर्सन को या फिर इनको कभी भी हमने प्रमोटर नहीं बोलना, ठीक है, जब तक कि ये प्रमोशन कर नहीं देते, ठीक है। सब्सिक्वेंटली टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करोगे, सर्टन प्रलिमिनरी फंक्शंस आर परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रलिमिनरी का मतलब शुरू के कुछ फंक्शंस करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, जिसमें बिजनेस जो कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी, ठीक है। दिस आइडिया कैन बी फॉर establishing three types of business, ठीक है। ये idea जो है तीन तरह के business के लिए आपके दिमाग में आ सकता है। First क्या होता है, sale and purchase of finished goods, ठीक है, जिसको हम trading concerns कहते हैं, trading business कहते हैं, ठीक है, जो बना बनाया सामान लेके आते हैं, जैसे दुकानदार होते हैं, ठीक है ना, ready-made garments हो गई, ठीक है ना, तो वो ready-made सामान बना बनाया लेके आते हैं और उसे बेच देते हैं। Next है to convert the raw into the finished product or manufacturing business, ठीक है। ये क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जिसमें आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल लगाना है, फिर उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट सर्विसेज बिजनेस, ठीक है, सर्विसेज बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो सेवाएं देते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होगी, बैंकिंग होगी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होगी हैं, तो ये सारियाँ क्या हैं, सर्विसेज कंपनी हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के आइडियाज़ उस पर्सन के दिमाग में आएंगे, ठीक है। तो जो आइडिया जब आपके दिमाग में
में आ रहा है, ठीक है, और उस आइडिया को आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, इनटू रियलिटी में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे हमें बॉक्स में भी दे रखा है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी विच इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसमें आपकी कंपनी जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी, एग्जिस्टेंस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटर्स। अब देखो प्रमोटर्स कौन होते हैं, कहते इट रेफर्स टू दैट पर्सन, ठीक है, ये वो पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हैं वो परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है, जो ये सारे काम कर रहे हैं टू ब्रिंगिंग अ बिजनेस इन टू द एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसमें वो बिजनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है, जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है, वो कभी भी प्रमोटर नहीं होता, ठीक है। आइडिया तो हम बेले बैठे होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत आते रहते हैं, ठीक है, पर अगर आपने वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया तभी आप क्या कहलाओगे, प्रमोटर कहलाओगे, ठीक है। राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, कितने जैसे ही राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब जैसे ही वो कमेंस्ड हुआ है, वो बिजनेस, वो आइडिया हमारे दिमाग में शुरू हुआ है, उस कंसीव किया है उसने, ठीक है, कंसेप्शन हुई है उस आइडिया की बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, डाउन टू द ब्रिंकिंग इन टू द ऑपरेशन, ठीक है, और आपने ऑपरेशन उसके ऊपर शुरू कर दिया, देयर आर वेरियस एक्टिविटी विच आर नीडेड टू बी परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बता रखी हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज जो हैं आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन, ठीक है, ये सारी ही एक्टिविटीज जो हैं ये किस में इंक्लूड हो जाएंगी, प्रमोशन में, ठीक है। दीज हैव बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ठीक है, कहते द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स, ठीक है, प्रमोशन कहाँ से शुरू हो जाती है, आइडिया से, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, द न्यू आइडिया कैन कम इन टू द माइंड बाई ऑब्जर्विंग द डेफिशिएंसी ऑफ सम प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। अगर ना आप मार्केट में गए, आपने देखा कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डेफिशिएंसी चल रही है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं, आपने ये ऑब्जर्व किया कि क्यों ना मैं ही ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊँ, ठीक है, और अबाउट अ प्रोडक्ट विच हैज़ बीन लॉन्च्ड येट, ठीक है, जो आप सोच रहे हो कि लॉन्च होना चाहिए, मैं लॉन्च करूँगा, ठीक है। फॉर डिस्कवरिंग अ न्यू आइडिया, अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो अब हम जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं मार्केट में, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोस और जर्नल्स हैं, ठीक है। एट द स्टेप थ्रू अ प्रिलिमिनरी सर्च, ठीक है, अब आपने प्रिलिमिनरी सर्च शुरू कर दी, प्रिलिमिनरी का मतलब शुरुआत की, प्रारंभिक, ठीक है, इट कैन बी फाउंड वेदर द बिजनेस कैन बी रन सक्सेसफुली और नॉट, ठीक है, अब ये देखना है, अब यहाँ पे जब आपने प्रिलिमिनरी देखी है कि क्या ये बिजनेस यहाँ पे चल भी सकता है या नहीं चल सकता, ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में। फर्दर स्टेप आर टेकन ओनली आफ्टर बींग सेटिस्फाइड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगले स्टेप पे आपने तब जाना है अगर आप सोचोगे कि ये बिजनेस जो है वो इंडिया में चलाना सक्सेसफुल रहेगा भी या नहीं रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट ही बन के इतना महंगा तैयार हो और आपको पता है कि इंडिया में एवरेज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ही ना पाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है, ठीक है। फर्दर स्टेप लेने से पहले हमने टोटली सेटिस्फाइड हो जाना है कि क्या मेरा बिजनेस यहाँ पे लग सकता है या नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अब अगर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट तो हम मार्केट में लेके आएंगे और सस्ता होगा, सारे मेरे प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, अब हम इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। आफ्टर हैविंग डन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट टू फाइंड out the actual position, ठीक है। During this process of information is collected about the demand of product, ठीक है, पहले हम demand देखेंगे, ठीक है, कि जो मेरी जगह है, अब देखो जहाँ पे हम local level पे सबसे पहले देखा करते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इस product की कितनी demand है, ठीक है, अगर local पे अच्छी demand होगी तो obviously state पे जाएगा तो national level पे जाएगा आपका product, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे आपने ये देखना है कि demand क्या है आपके product की,
नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या मुझे अवेलेबल हो जाएगा रॉ मटेरियल ईजीली, ठीक है ना, नियर अबाउट टू जहाँ पे भी हम रहते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी पड़ेगी, नीड ऑफ मशीनरी की ज़रूरत है हमें या विदाउट मशीनरी ही चल जाएगा हमारा काम, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो मेरे साथ साथ और कितने लोग हैं जो बना सकते हैं, ठीक है, या फिर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, मैंने जस्ट मॉडिफाई करना है इसे, ठीक है, तो इसके एट प्रेजेंट कितने को कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न ऑफ सेल प्रोडक्ट, ठीक है ना, किस किस रीज़न में ये प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा, ठीक है, मैंने स्टेट लेवल पे लेके जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस क्या रखेंगे हम, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा मुझे, गवर्नमेंट की पॉलिसी अबाउट द बिजनेस ये ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, जैसे कि जो प्रोडक्ट बनाने के बारे में मैं सोच रही हूँ उसके रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल है वो मुझे जो मिलेगा ना, वो कहाँ से मिलेगा, चाइना से मिलेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी चाइना के रिगार्डिंग क्या है, अपोज हो चुकी है, चाइना से कहता कोई भी मार्केट जो सामान है वो हम नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपने ये देखना है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचने से पहले कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो, कुछ हमारे जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हैं जिसको बनाने के लिए हमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स होगी, ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ों के लिए आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आपको लेबर कैसी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें टेक्निकल लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें जो इंजीनियर लेबर चाहिए होती है, और कुछ जो आम लोग होते हैं, ठीक है ना, सस्ती लेबर ज़रूरत होती है। तो आपने देखना है आपको कैसी लेबर की ज़रूरत है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कि हमें कितने का कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है, कैसे हमारी कैपिटल कितनी, मतलब 1 लाख 1.5 लाख 1 करोड़ कितने पैसे चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइनेंस, ठीक है, अब ये जो कैपिटल है इसको लाने के लिए, ठीक है ना, तो कैपिटल कैसे हमने, पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे इकट्ठी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर तो आप कंपनी लगा रहे हो, ठीक है, पब्लिक कंपनी, फिर तो आपने क्या कर देना है, ये पैसे जनरल पब्लिक से इकट्ठे करने हैं, जो आपने शेयर्स हैं वो उनको इशू करके, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी लगा रहे हो फिर आपने अपने मेंबर से ही कलेक्ट करने हैं, ठीक है, ठीके? तो आपने ये भी देखना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है, बैंक आपको कितने तक का लोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो साइज ऑफ बिजनेस आपने देखना है, आपने कैसा बिजनेस लगाना है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। जब हमने ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर ली, द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर करेंगे हम, ठीक है, आफ्टर थॉरो सिक्योरिटी, ठीक है, पहले हम थॉरोली सिक्योरिट करेंगे इसे, ठीक है, थॉरोली डीप थिंकिंग करेंगे इसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में, अबाउट ऑल दिस फैक्ट विच इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हमारी एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। दिस रिपोर्ट हेल्प इन गेटिंग लाइसेंस, ठीक है, अगर आपको लाइसेंस की ज़रूरत है तो लाइसेंस लेने में हेल्प करेगी ये रिपोर्ट आपकी। फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट से लोन चाहिए तो लोन भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना, कि बच्चे क्या करें, अच्छे से अच्छी कंपनीज लगाएं, ठीक है, उनको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द डिसीजन इन टेकन इन फेवर ऑफ न्यू आइडियाज़, ठीक है, अगर डिसीजन आपने लिया है देन फर्दर प्रोसीडिंग्स आर अंडरटेकिंग, ठीक है, अब आपका ये जो स्टेप है ये भी अच्छे से सक्सेसफुली अचीव हो गया है, अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे, फिर कहते अदरवाइज आइडिया इज ड्रॉप, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ही कोई प्रॉब्लम आ गई है ये सारा कुछ डीप थिंकिंग करते हुए, फिर तो आपका आइडिया ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्कवरी ऑफ सम अदर आइडिया स्टार्टर, ठीक है, पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चांस है, बढ़िया है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, अब हमने असेंबल करना शुरू कर देना है फैक्टर्स को, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में अभी जस्ट सोचा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में, प्रोडक्ट साइज, ठीक है, अब यहाँ पे हमने असेंबल करना शुरू कर देना है उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। कहते आफ्टर सेटिस्फाइंग
हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस. मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस अब सक्सेसफुल रहेगा. मुझे लग रहा है कि मैंने इसके बारे में अच्छी स्टडी कर ली है. एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया द प्रमोटर्स जो हैं स्टार्ट असेंबलिंग द डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, वो असेंबल करना शुरू कर देती हैं. फॉर दिस ही हैज़ टू कंटेक्ट वेरियस पर्सनस. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितने ही लोगों के साथ जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स. ठीक है, आफ्टर डूइंग सो ही एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद देम. ठीक है, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और बताएगा कि मैं ये बिजनेस जो है वो करना चाहता हूँ. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेनली फॉर रॉ मटेरियल के लिए. ठीक है ना, मैं अब उनके दुकान पे जाऊँगी, बोलूँगी कि मैंने एक कंपनी शुरू करनी है, मुझे इतने रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी. ठीक है, क्या आप मुझे इतना मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवा दोगे, मुझे इतने इतने टाइम पे इस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, बिल्डिंग के रिगार्डिंग, मशीनरी के रिगार्डिंग. ठीक है ना, मैं उनके पास जाऊँगी. तो हमने असेंबलिंग शुरू कर देनी है अब कंपनी के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन. ठीक है, अब वो फाइनेंसिंग देखेगा कि कहाँ से मुझे हेल्प होगी फाइनेंसिंग के बारे में. बिफोर कमेंसिंग यानी बिजनेस, कितने कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले थ्रू कैपिटल इज रिक्वायर्ड. ठीक है, कैपिटल तो मस्ट है. ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन बींग के लिए ब्लड जो है वो मस्ट होता है. अगर ब्लड ना हो तो बंदा मर जाता है. ठीक है, इसी तरह से अगर किसी बिजनेस में कैपिटल ना हो तो वो बिजनेस नहीं चल सकता. ठीक है, तो फॉर दिस फाइनेंसिंग प्लानिंग इज डन. ठीक है, हम फाइनेंसिंग प्लानिंग करेंगे कि पैसा आएगा कहाँ से. द मेन थिंग विच आर टू बी डिटर्मिन द फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, मुझे टोटल कितने पैसे चाहिए. वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल, और मैं कहाँ से कलेक्ट करूँगी वो पैसे. ठीक है, मैंने खुद कितने पैसे लगाने हैं, ओन मेरे पास खुद के पास कितने पैसे हैं मेरे पास. ठीक है, और मैंने बाहर से कितने ओन्ड करने हैं पैसे. ठीक है ना, लोगों से कितने लेने हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बैंक से लेने हैं, अपने फ्रेंड से लेने हैं, किसी अदर कंपनी से लेने हैं. ठीक है, देन द टाइप ऑफ शेयर्स. ठीक है, और इसके लिए मुझे कौन सी शेयर इशू करने चाहिए. ठीक है, शेयर्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम कैसे शेयर्स इशू करें. ठीक है, एंड डिबेंचर्स. डिबेंचर्स जो लेते हैं वो कंपनी के, जो शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं. ठीक है, वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, कंपनी के मालिक बन जाते हैं. और जो शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. क्रेडिटर्स पर हम बोलते हैं क्या, इनको डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं. ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स होते क्या हैं, क्रेडिटर्स. ठीक है, देनदार होते हैं, कंपनी ने इनको पैसे देने होते हैं, ये मालिक नहीं बनते कभी भी. ठीक है, इन दिस मैनर कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड विद द बैंक्स. ठीक है, इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं बैंकर से. ठीक है, अंडररराइटर्स से. ठीक है, अंडररराइटर्स कौन होते हैं. अब देखो, जो हम शेयर्स बेचते हैं, शेयर्स हम दो तरह के लोगों को बेचते हैं. एक तो हम शेयर्स देते हैं ब्रोकर्स को. ठीक है, और एक हम देते हैं अंडररराइटर्स को. ठीक है, ब्रोकर्स का मतलब क्या है, जैसे कि ये दो पर्सन है मान लो. ठीक है ना, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी. ठीक है, जो ए है वो है हमारा ब्रोकर. ठीक है, और जो बी है वो है हमारा अंडररराइटर. ठीक है, अब देखो, मैंने ए को भी 100 शेयर दिए और बी को भी 100 शेयर दिए. ठीक है, ए को भी बोला जाओ मेरे शेयर बेचो और बी को भी बोला मेरे शेयर बेच दो. ठीक है, अब जो ए है वो शेयर बेचेगा. ठीक है, उसने शेयर बेचे, 50 शेयर बिक गए. ठीक है, और 50 शेयर वो मुझे ला के दे देगा, कह देगा मैडम लो आपके 50 शेयर बिक गए हैं, 50 आप पकड़ो और मुझे 50 शेयरों की मेरी ब्रोकरेज दे दो, मेरी कमीशन दे दो. ठीक है, और दूसरे अंडररराइटर. अंडररराइटर का मतलब क्या होता है, जो इन राइटिंग में, अंडररिटन अंडररराइटर होते हैं वो, जो इन लिखित में ले लेते हैं कि ये 100 शेयर मैंने बिकवाने हैं. ठीक है, अब देखो इस केस में इससे 40 शेयर पब्लिक को बेच दिए. ठीक है, पर 60 शेयर जो हैं वो बच गए हैं. ठीक है, अब जो 60 शेयर हैं वो कौन खरीद लेगा, अंडररराइटर खुद खरीद लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये अपॉइंटमेंट करेगा कौन, प्रमोटर करेगा इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लीगल फॉर्मेलिटी रिलेटेड विद द इशू ऑफ कैपिटल आर कंप्लीटेड. ठीक है, ये तो क्या करेगी, लीगल, ये तो लोगों को, पब्लिक को, आम लोगों को क्या करेगी, शेयर इशू करेगी. ठीक है, तो पब्लिक कंपनी तो पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग टू ही चलेगी. इन दिस मैनर आफ्टर मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल. अब आपकी कैपिटल का अरेंजमेंट होने के बाद बिजनेस जो है बिकम ऑपरेशनल. ऑपरेशनल का मतलब अब बिजनेस जो है वो ऑपरेशन में आ गया है.
है उसमें आप काम कर सकते हो एंड हेयर द वर्क ऑफ प्रमोशंस एंड। ठीक है, तो अब प्रमोशन का काम ख़त्म होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रमोशन का काम एक आइडिया से शुरू हो गया और कब तक चलता रहा, जब तक एक फर्म एग्जिस्ट हुई। ठीक है, एक कंपनी सॉरी एग्जिस्ट हुई। ठीक है, जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं होती, ठीक है, तब तक ये आइडिया जो है वो चलता रहता है। ठीक है, और आइडिया इनटू एग्जिस्टेंस इनटू इम्प्लीमेंट करने तक जो भी हमने प्रोसेस की है वो सारी प्रोसेस क्या है, प्रमोशन है। ठीक है।